नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना सिक्का जमाते हुए नजर आए थे, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें बहन जी की, तो बहन जी कहीं ना कहीं 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती, जिसके बाद कहा जाने लगा कि मायावती को अब अपना साख बचाने के लिए किसी के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है। वहीं यही बात 2019 में भी निकल कर आई थी। 2019 में मायावती को कहीं ना कहीं मजबूरी वश ही देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना पड़ा था और ये गठबंधन कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ मायावती के लिए। 5 सीटों पर अखिलेश यादव अपनी जीत दर्ज करते हैं लेकिन 10 सीटों पर मायावती अपना परचम लहराती हुई नजर आती हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश का बदल सकता है और मायावती के पक्ष में जा सकता है। हालांकि ये गठबंधन टूट जाता है, मायावती एक दूसरे के ऊपर अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाती हैं, अखिलेश यादव मायावती के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बार फिर से वही समीकरण बनते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश में। जी हां, आपको बताएं इस बार भारत बंद को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ मायावती को मिलता हुआ नजर आया, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब हो सकता है कि फिर से एक बार गठबंधन होता हुआ नजर आए। वहीं राजेश चौधरी जिस तरीके से मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए, अखिलेश यादव खुलकर उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो उससे भी और ज्यादा संकेत लगने लगे। तो ऐसे में जो समीकरण अभी बनते हुए नजर आ रहे थे तो वो गठबंधन की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर मंगेश यादव का जो मुद्दा निकल कर आया उसको लेकर घेरते हुए नजर आई। उन्होंने बोला कि चोर चोर मौसेरे भाई, इस तरीके की बात कहीं ना कहीं मायावती कहते हुए नजर आती हैं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अटकलें अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं कि मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मायावती का जो घिरता हुआ साख है उसको बचाने के लिए अगर वो इंडिया गठबंधन का रुख करती है तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 15 से 16 सीटों पर जीत दर्ज करती है मायावती की वजह से, क्या इतनी आसानी से मायावती को इंडिया गठबंधन का रुख करने देगी? कहीं ना कहीं यह भी बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। और ऐसे में अब मायावती अपने हर छोटे बड़े मुद्दों को जिस तरीके से रखते हुए नजर आ रही है, उससे यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है वो बदल सकते हैं और मायावती एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों का पक्ष लेकर कहीं ना कहीं सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, मायावती का दबदबा कम होता हुआ नजर आ रहा है, मायावती फिर से अपना वही पुराना इतिहास दोहराने का प्रयास कर रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पर फिर से एक बार काम करने की कोशिश कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ये कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, उन्होंने कहा कि काशीराम जी के विरासत को मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं लेकिन उनके सिद्धांतों को भूल चुकी हैं, लेकिन मैं उनके सिद्धांतों को नहीं भूला हूं, मैं भीमराव अंबेडकर जी और काशीराम जी के जो सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती के लिए चुनौती अखिलेश यादव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी बने हुए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि मायावती को आने वाले दिनों में किसी पार्टी और किसी गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ सकती हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से गठबंधन में आ सकते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।